नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज और आज का वीडियो में हम बात करेंगे आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड के एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 20 मार्च 2021 को आपका एग्जाम होने वाला है आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड का। और यहाँ पे हमने पिछले साल के भी क्वेश्चन देखा है कि पिछले साल कैसे क्वेश्चन आए थे, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए थे और इस साल कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन और आ सकते हैं, उसे भी हमने यहाँ रखा हुआ है। ठीक है ना, जो भी मैं बताऊंगा इन सभी टॉपिक से बाहर क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, इन्हीं सब टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले मैं बता दूँ क्वेश्चन का लेवल कैसा होगा। तो क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा आसान होगा। अगर आप अच्छे से तैयारी करके जा रहे हैं तो आप आसानी से एग्जाम को निकाल लीजिएगा। मेरे अगर पिछले वीडियो को भी आपने देखा होगा जो मैंने लास्ट ईयर 2018 में जब एग्जाम हुआ था उसके लिए मैंने आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड के लिए बहुत वीडियो बनाए थे, तो उनको भी अगर आपने देखा है अच्छे से समझा है तो भी आप इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। ठीक है ना, मैं कोशिश करूंगा कि एक एक सेट आप लोग को मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए तो फिलहाल हम जानते हैं कि आपका क्वेश्चन कैसा आएगा। तो सबसे पहले हम इंग्लिश के बारे में बात करते हैं। तो इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से, आरसी से, पैसेज से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है ना, जहाँ पे ये आरसी जो होगा कहानी होगा, स्टोरी बेस्ड होगा, कहानी बेस्ड कहानी पर आधारित होगा। एक सिंपल सा कहानी दिया होगा, कुछ भी कहानी दिया होगा, बहुत आसान कहानी आपको मिलने वाला है और उससे 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे आगे देखिएगा, सेंटेंस फॉर्मेशन और रीअरेंजमेंट, या तो आपको सेंटेंस बनाने के लिए दे दिया जाए, मतलब अलग अलग पार्ट जो 5-5 नंबर का आजकल देता है ना, एक ही सेंटेंस को अलग अलग 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, बताया कि बोले आपसे पूछेगा कि सेंटेंस कैसे बनेगा। सेंटेंस फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होता है, इंग्लिश का वीडियो मैं दे दूंगा कल आपको सुबह में या कभी भी आपको इंग्लिश का वीडियो देखने को मिलेगा। और उसके बाद होता है सेंटेंस रीअरेंजमेंट। अब सेंटेंस रीअरेंजमेंट मतलब 5 सेंटेंस दिए होंगे, उनको बोलेगा रीअरेंज कीजिए और वहाँ से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, स्पेलिंग एरर, स्पेलिंग एरर से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सॉरी, यहाँ मुझे लगता है कि मैंने गलती की है, स्पेलिंग एरर से 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ज़्यादा चांस है कि 5 ही नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 10 नंबर का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें फ्रेज करेक्शन, मतलब फ्रेजेस से भी, मतलब कुछ पूरा का पूरा सेंटेंस को आपको चेंज करना होगा, उसको करेक्ट करना होगा किसी सेंटेंस में, तो उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट लास्ट ईयर ये इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, मुझे लगता है इस साल पूछा जा सकता है इस टॉपिक से भी। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसे भी आप लोग देख लीजिएगा। सिंगल फिलर जो होता है ना, फिलिंग इन द ब्लैंक्स होता है, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन होगा, लेवल बहुत आसान होगा। कॉमन एरर, तो देखिए एरर डिटेक्शन या कॉमन एरर तो पूछा ही जाएगा, सेंटेंस में आपको गलती छाटना है तो यहाँ से पूछा जाएगा 100% 5 नंबर का। उसके बाद स्पेलिंग एरर से भी पूछा जा सकता है 5 क्वेश्चन, यहाँ 10 क्वेश्चन नहीं लिखे, 5 ही क्वेश्चन। कॉमन एरर से 10 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लोज टेस्ट से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 5 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बट लास्ट ईयर इससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। टोटल इंग्लिश लैंग्वेज से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, जो भी मैं बताऊंगा उससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, तो कम से कम उन सब टॉपिक को तो आप तैयार करके चले जाइए। मैं आप लोगों को सैंपल क्वेश्चन दे दूंगा, जैसा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उससे पहले मैं आप लोग को एक सभी विषयों का अलग अलग टेस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, अब देखिएगा पजल प्लस में सिटिंग अरेंजमेंट, 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, 5 नंबर का पजल, 5 नंबर का सिटिंग अरेंजमेंट। और पजल में मैं बता दूं कैसे क्वेश्चन, पजल में हो सकता है कि आपको दिया जाएगा कि 7 आदमी ये फ्लोर पे बैठे हुए हैं, तो फ्लोर में आपको अरेंज करना होगा, सिंपल सा पजल आपको देखने को मिलेगा। और सिटिंग अरेंजमेंट में सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट का मिलने का बहुत ज़्यादा चांस है, सर्कुलर हो जाएगा नहीं तो स्क्वायर हो जाएगा, उसमें 8 आदमी को बैठाना होगा, और या स्ट्रेट लाइन में भी 8 आदमी को बैठाने के लिए दिया जा सकता है। तो कोई भी सिटिंग अरेंजमेंट दिया जाएगा, आसान दिया जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड आपको देखने को नहीं मिलेगा। सेलुलिज में 5 नंबर का इनइक्वालिटीज 5 नंबर का पूछा जाएगा, और पूछा गया था लास्ट ईयर भी पूछा गया था। अल्फा न्यूमेरिकल कोडिंग डिकोडिंग, अल्फा बेस कोडिंग डिकोडिंग और नंबर सीरीज, यहाँ से 5-5, 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रैंकिंग टेस्ट है, लास्ट ईयर पूछा नहीं गया था बट मुझे लगता है कि इस साल अगर पूछा जाए तो 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन से भी
पांच नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं। टोटल 40 क्वेश्चन आपको पता है रीजनिंग से मिलने वाले हैं आपको। अगर आप बात करें मैथ्स के बारे में, तो मैथ्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन से आपके 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लास्ट ईयर 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, इस साल 10 नंबर भी पूछा जा सकता है। वर्ड प्रॉब्लम में 5 नंबर से 10 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डीआई के 5 ही नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नंबर सीरीज के 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं पूछे, बट चांसेज है कि पूछे जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो इसे भी आप लोग देख लीजिएगा। तो अगर गलती से पूछा गया तो आप इसे बना सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग देख के जाइएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल मैंने इतना ही जानकारी देना था मुझे आप लोग को, ठीक है। तो क्वेश्चन का लेवल कुल मिला के बहुत ज़्यादा आसान होगा, बहुत अच्छा मौका है आपके पास है, अच्छा स्कोर कीजिए, कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम स्कोर हो आप लोग से। और कोई भी डाउट होगा, किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए होगा, तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं क्लास प्रोवाइड करवाऊँगा कल से। और मेरा तबीयत ख़राब हो गया था, 3-4 दिन से मेरा तबीयत ख़राब था, जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, बट अब से 20 तारीख से पहले आप लोग को कम से कम एक एक सेट मिल जाएगा मैथ्स रीजनिंग और इंग्लिश का, ठीक है। और जो टॉपिक होगा, जैसे पजल होगा तो पजल का अलग से क्लास मिल जाएगा, और मैंने पहले भी बनाया तो उसे भी आप लोग देख सकते हैं। कुछ कुछ टॉपिक का मैं अलग से आप लोगों को क्लास दे दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो को इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।